नमस्कार, आप देख रहे हैं SGD टाइम्स और मैं हूं आपके साथ दीपक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में नमामि गंगे ने की विशेष गंगा आरती, गंगा सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 130 लाभार्थियों को मधुमक्खी बक्से और टूलकिट वितरित किए। दिल्ली यूपी समेत 26 राज्यों में बरसेंगे बादल, गुजरात से बंगाल तक होगी बारिश। आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, टमाटर से भी महंगे बिक रहे हैं अदरक और मिर्च। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। वह काशी को करोड़ों की सौगात देंगे। ऐसे में उनके भव्य स्वागत के लिए नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर धार्मिक तरीके से पीएम मोदी का अभिनंदन किया। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के नाम से विशेष गंगा आरती की गई, तो वहीं आरती में उनकी तस्वीर को शामिल करके फूलों से स्वागत किया गया। माँ गंगा का दुग्ध अभिषेक कर पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने के पीएम मोदी द्वारा दिए गए संदेश के तहत गंगा तलहटी की सफाई की गई। राष्ट्र ध्वज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की। लोगों से पॉलीथीन मुक्त काशी और गंगा घाट का आह्वान किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी में पीएम मोदी हमेशा से खास है और खास रहेंगे। काशी की स्वागत परंपरा सांस्कृतिक और अध्यात्म से सरोकार रही है। माँ गंगा की आरती कर हमने राष्ट्र के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। स्वस्थता ही आरोग्य जीवन का आधार है, यह संदेश प्रसारित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SGD टाइम्स। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना ने 4 जुलाई 2023 को 130 लाभार्थियों को मधुमक्खी बक्से और टूलकिट वितरित किए। इस कार्यक्रम का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, राज्य कार्यालय दिल्ली, भारत सरकार की ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत किया गया था। आइए दिखाते हैं आपको हमारी रिपोर्ट। यह समारोह चैनसुख वाटिका, यमुना पुस्ता रोड, जगतपुर गांव में संपन्न हुआ। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार, KVIC के उत्तरी क्षेत्र के सदस्य श्री नागेंद्र रघुवंशी, KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनीत कुमार, दिल्ली KVIC राज्य कार्यालय के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री विनय कुमार सक्सेना ने ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर सृजित करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से 2017 में KVIC द्वारा शुरू किए गए हनी मिशन की सफलता को रेखांकित किया। अब तक 20,000 किसानों और मधुमक्खी पालकों को 2,00,000 से अधिक मधुमक्खी बक्से और शहद कॉलोनियाँ वितरित की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते खुले हैं और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। श्री सक्सेना ने KVIC के माध्यम से दिल्ली के गांवों में खादी और ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, SGD टाइम्स। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। SGD, let's make question anything, even the university. I have visited other campuses too, but SGD has better infrastructure. Plus, it's hope. Here, we are not just students, we are emerging journalists. Here we got an opportunity to interact with renowned media experts.
Asia's biggest shooting floor, latest equipment, practical learning, faculties from the industry, freedom of expression. Come, be a part of this revolution. SGT University, nurturing future leader. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गत हफ्ते छिटपुट बारिश के बाद परिस्थितियां फिर से अनुकूल बन रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आने वाले दिनों में मॉनसून अपने पूरे सबाब पर दिखेगा। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी मध्यम बारिश की संभावना है। देश भर में बने मौसम प्रणालियों की बात करें तो निजी वेदर एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मॉनसून की अक्षीय रेखा अपनी सामान्य स्थिति पर चल रही है। हालांकि ट्रफ का पूर्वी छोर अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। औसत समुद्र तल पर अब तटीय दबाव की रेखा महाराष्ट्र तट से केरल तट तक जा रही है। एक और ट्रफ रेखा सिक्किम से पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। दक्षिण गुजरात पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक और चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, SGT टाइम्स। मध्य प्रदेश में टमाटर के बाद अब अदरक और मिर्च के दाम भी बढ़ गए हैं। इनके दाम टमाटर को भी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में टमाटर का दाम बढ़कर 120 से 140 रुपए हो गया है। वहीं अदरक और मिर्च 200 रुपए किलो के दाम से बिक रहे हैं। हालांकि बरसात आने से सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार के दामों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। सब्जियां पिछले एक माह में 4 गुना तक महंगी हो गई है। जो अदरक कुछ दिन पहले 80 रुपए किलो मिलती थी, अब उसकी कीमत 80 रुपए पाव हो गई है। प्रदेश में बारिश की वजह से किसानों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। टमाटर के बाद अब अदरक और मिर्च के दामों में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। मौसम की वजह से लगभग सारी सब्जियों के दाम 100 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा हो गए हैं। बरसात आते ही टमाटर के बाद अब अदरक, मिर्च, परमल, गिलकी और कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जहां अदरक, मिर्च और धनिया 200 रुपये के आसपास बिक रहे हैं, तो वहीं अन्य सब्जियां भी 100 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं। मिर्च महंगी होने के पीछे की वजह मार्केट में आवक में कमी आई बताई जा रही है। बारिश की वजह से लगभग हर सब्जी की सप्लाई कम हुई है। यही कारण है कि सब्जियां आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SGT टाइम्स। SGT टाइम्स में आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।